सो गाइस सब्सक्राइब करें वेगस फैशन चैनल में जहां आपको मिलेगा मेंस फैशन स्टाइलिंग ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल के ऊपर ढेर सारा टिप्स एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल बटन एज इट विल गिव यू इंस्टेंट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो. Hey guys, welcome to Vegas Fashion and मैं हूँ सौरव and आज आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ एक amazing new product जिसके बारे में बहुत सारे questions and queries आ रहे थे मेरे Instagram पर and Facebook पर. So मैंने सोचा कि वीडियो बना ही लेता हूँ. तो आज का जो product है वो है बातिस्ते का dry shampoo plus. तो dry shampoo होता क्या है वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में. तो मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप मेरे चैनल में नए हो एंड बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि उससे आप लोग अपडेटेड रहोगे मेरे कॉन्टेंट से. सो आज का जो प्रोडक्ट है वो है बातिस्ते का ड्राई शैम्पू प्लस. तो इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली मैं बता देता हूँ कि हम लोग तो नॉर्मली शैम्पू कर लेते हैं अपने हेयर्स को क्लीन रखते हैं एंड हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके रखते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि काम के शेड्यूल में और बिजनेस के चक्कर में और कभी कभी लेजीनेस के चक्कर में भी हम लोग शैम्पू करना डिले कर देते हैं. सो लगभग पकड़ लीजिए कि आपका हेयर्स अगर 3 दिनों से शैम्पू किया गया नहीं है और वो मैसी है एंड डर्टी है और अगर आपको जाना है कहीं पे आपके पास टाइम भी नहीं है तो क्या आप जाकर शैम्पू करोगे? आपके पास तो उतना टाइम है नहीं. सो ये प्रोडक्ट तब काम में आता है. सो इस प्रोडक्ट को देखेंगे आज कैसे यूज़ करते हैं. सो नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग का जो स्कैल्प होता है वो एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है तो वो नेचुरल ऑयल रहकर एंड डर्ट वो सब मिलकर एक ग्रीस तैयार होता है. वो ग्रीस अगर आपके बालों में रह जाता है तो आपके हेयर्स बहुत गंदे दिखते हैं एंड आप कोई भी हेयर स्टाइल रॉक नहीं कर पाओगे एंड नीदर आपके हेयर्स अच्छे लगेंगे. सो इफ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ पार्टी तो फिर आप क्या वो ग्रीस लेकर जाओगे? एब्सोल्युटली नॉट, राइट? सो लेट्स सी हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट आप लोग यूज करोगे तो ट्रस्ट मी नेचुरली आपको वो शैम्पू वाला फील आ जाएगा. आपका हेयर्स फ्रिज फ्री हो जाएगा. नॉट ओनली दैट आपका हेयर्स एकदम फ्रेश भी दिखेगा. नॉट ओनली दिखेगा बट लगेगा भी, आपको फील भी आ जाएगा. सो देखते हैं इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करते हैं. ओके सो मेरे हेयर्स अभी काफी ज्यादा ड्राई है. मुझे निकलना है, ब्लॉग भी आने वाला है उसके ऊपर. सो कीप काम एंड मुझे जाना है. सो आई कैन डू शैम्पू राइट नाउ सो आई एम गोइंग टू यूज दिस ड्राई शैम्पू. सो सबसे पहले देख लेते हैं कि मेरे हेयर्स अभी नॉर्मली है, स्टाइलिंग किया हुआ बिल्कुल भी नहीं है, डर्टी भी है आप देख सकते हो. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बाई शेकिंग ऑफ माई हेयर एंड मेकिंग इट ऑल लूज. सब कुछ लूज कर लेने के बाद गैप्स क्रिएट करना पड़ेगा और पार्टीशन आप जो भी बोलो. तो ये सब पार्टीशन हो जाने के बाद आप एक काम करो, इसको आप थोड़ा डिस्टेंस से पकड़ो और पहले तो शेक कर लो. उसके बाद ये जो हो गया उसके बाद आपको आपका पूरा हाथों का खेल है, आपको एकदम रूट्स तक इसको पहुंचाना है एंड उसका आप अपनी उंगलियों को लो एंड अच्छे से इसको मिक्स करो. हो सके तो जितना मर्जी पॉसिबल आप रूट्स पे खेलो, राइट? सो पीछे वाले पोर्शन में भी मत भूलना नहीं तो अनइवन दिखेगा. साइड तो जब आप इसको परचेस करोगे, अगर आप इसको परचेस करते हो तो देख लेना कि इसका बहुत सारा कलर्स है, बॉटल्स के ऊपर भी कलर्स है. ये है डिवाइन डार्क. तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसका बहुत सारा, ये एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है. सो इसका एक व्हाइट और ब्लॉन्ड भी आता है तो वो उन लोग के लिए है जिनके हेयर्स ब्लॉन्ड है. हम लोग के हेयर्स डार्क है इसीलिए डिवाइन डार्क यूज कर रहा हूँ. तो वो आप एक बार देख लेना, ऐसा ना हो कि आपके हेयर्स ब्लैक है एंड आप वो ब्लॉन्ड वाला कलर यूज करो तो फिर थोड़ा ऑड दिखेगा. सो आप देख सकते हो कि एकदम मैं ऐसे अपने रूट्स पर अपने उंगलियों से खेल रहा हूं ऐसे एंड यू कैन सी कि एक थोड़ा बहुत फ्रेशनेस दिख भी रहा है. आई होप सो कि दिख रहा है क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि ये दिख रहा है एंड स्मेल भी इसका काफी ज्यादा अच्छा है. सो आई कैन फील कि मेरे हेयर्स काफी ज्यादा फ्रेश दिख रहा है. तो आप भी देखो एंड नॉट ओनली दैट तो इसके ऊपर ये एक बहुत अच्छा फ्री स्टाइलर भी है तो इसके ऊपर आप कोई भी हेयर स्टाइल करो तो वो एकदम फ्रेश दिखेगा. सो हेयर स्टाइल में आपको दिखा दूंगा. इस हेयर स्टाइल को मतलब थोड़ा फिक्स करने के लिए हम लोग यूज करेंगे थोड़ा सा वैक्स. तो मैं यूज कर रहा हूँ गैट्सबी का टेक्सचराइजिंग मैट वैक्स, बस इतना सा एंड इसको अपने हाथों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे. देख सकते हो इट्स कंप्लीटली गॉन
एंड इसको अपने बालों पर ऐसे ऐसे करके एंड इट्स ऑल डन एंड आप लोग रेडी हो, गुड टू गो हो कोई भी पार्टी रॉक करने के लिए। सो बस आज के लिए इतना ही था गाइज, देख सकते हो आप मेरा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुका है एंड मेरे हेयर्स काफी ज्यादा फ्रेश भी दिख रहे हैं। सो आज के लिए बस इतना ही था, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो आप लोग नीचे से परचेस कर सकते हो, परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक बटन देके जाना एंड अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो फिर सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। सो देख सकते हो कि हेयर स्टाइल हो चुका कंप्लीट एंड आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में गाइस। टिल देन टेक केयर, कीप इट क्लीन।